हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी भूगोल में देखेंगे नदी तंत्र। नदी तंत्र में हमने पिछली क्लास में देखा था गंगा नदी तंत्र, उसमें हमने गंगा के बारे में डिटेल से समझा था। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये नदी प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती है। इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ से, चीन से बहकर आता है, ठीक है ना। इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी इसे हम बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन प्रवाह की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी नदी है भारत में जो है, ठीक है ना। लेकिन ये पूर्णतः भारत में नहीं बहती है, इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है, चाइना में। यदि हम भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ठीक है। तो यदि हम भारत में नदी तंत्र की बात करें, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, तो दो प्रकार से हम बात करते हैं। पहला होता है, एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की ज़्यादातर नदियाँ कैसी हैं, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं। इसमें मध्य प्रदेश की भी कुछ नदियाँ हैं, है ना, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। साउथ की नदियों की बात करें तो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो इसमें सिंधु है, झेलम है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ये कि कैसी नदियाँ हैं, गंगा है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भी क्या है, हिमालय से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। यदि हम इसकी बात करें, इसके उद्गम स्थान की बात करें, तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, इसका उद्गम स्थान है तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। यदि हम इसकी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास क्या है, चेमायुंग दुंग क्या है, ग्लेशियर है, है ना। इस ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। इस ग्लेशियर से निकलने के बाद, है ना, इस नदी को चाइना में किस नाम से जानते हैं, सांगपो। तो ये चाइना में किस नदी के नाम, किसके नाम से बहती है, सांगपो नदी के नाम से ये चाइना में प्रवाहित होती है। यदि इसकी ओवरऑल लंबाई की बात कर लें, ठीक है ना, निकलने से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक, तो इसकी ओवरऑल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। जैसे कि हम इसमें देख भी सकते हैं, ये हिस्सा जो है ये क्या है, भारत का हिस्सा है, देख रहे हैं, ब्लू वाला हिस्सा ये भारत का हिस्सा है, और इधर क्या है, चाइना है। तो इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, चाइना में है, है ना। तो चीन में इसे सांगपो या यारलंग सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं, सांगपो या यारलंग सांगपो नदी इसे चीन में कहते हैं। अब ये भारत में कैसे प्रवेश करती है, देख देख के भारत ने यू का टर्न लिया है, और इस यू के टर्न से क्या होती है, भारत में एंटर हो जाती है। अब ये भारत में एंटर होती है तो कौन से स्टेट में होती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है। क्यों प्रवेश करती है, इसका कारण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक नमचा वरवा, क्या है, नमचा वरवा एक पहाड़ी है, एक ऊँची पहाड़ी है ना। इस नमचा वरवा पहाड़ी के कारण क्या क्या होता है, ब्रह्मपुत्र आगे बह नहीं पाती, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, इस पहाड़ी के कारण यू टर्न लेना पड़ता है। और यू टर्न लेकर क्या क्या होती है, ये नदी क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये क्यों किया है, भारत, मतलब बोल सकते हैं भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भारत में एंटर होती है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब अरुणाचल प्रदेश में कुछ नदियाँ हैं, जैसे दिबांग नदी, है ना। दिबांग नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है, जो क्या करती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। लोहित नदी है, लोहित नदी भी क्या होती है, इसमें मिल जाती है, है ना। इसीलिए इस अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, दिहांग नदी, क्या बोलते हैं, दिहांग। यहाँ पर इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, पहले चाइना में सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या क्या पड़ा, दिहांग। फिर आगे एक और स्टेट क्रॉस करती है, और ये कहाँ पहुँचती है, असम में। जब जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो कहाँ पड़ता है, असम स्टेट में जाकर पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर इसके किनारे प्रमुख शहरों की हम बात करें भारत के, तो गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, ये क्या है, इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में से एक है। फिर इसके बाद क्या करती है, ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। क्या हो जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना
पड़ जाता है, ठीक है ना। और यदि इसकी बात करें असम स्टेट की बात करें, तो असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर क्या है, गुम्फित जलमार्ग है ना, गुम्फित जलमार्ग। और इस जलमार्ग में क्या है, सबसे ज़्यादा नदी द्वीप है। इनमें से ही इन नदी द्वीपों में से ही क्या है, मांजुली नाम का जो द्वीप है वो नदी का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये केवल ब्रह्मपुत्र का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, नदी द्वीप। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये नदी क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश का नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश में मेघना नदी, मेघना नदी मतलब कौन सी नदी है, जब दोनों नदी पद्मा और जमुना जब मिल जाती है तब क्या बन जाती है, मेघना नदी, ठीक है। तो इस मेघना नदी के नाम से ही नदी क्या क्या होती है यहाँ पर प्रवाहित होती है, मतलब जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, पद्मा मतलब गंगा, जब दोनों मिलती है तो इसका नाम क्या बन जाता है, मेघना। इस मेघना नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, सूरमा नदी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूरमा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि हम इस नदी की विशेषताओं की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये क्या है, सर्वाधिक बाढ़ के लिए जानी जाती है, सर्वाधिक बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। दूसरा है, ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में भी इसने यहाँ से क्या किया, पहाड़ीकरण, यू टर्न लिया। जब कोई नदी मार्ग सबसे ज़्यादा परिवर्तित करती है तो सीधा सा कारण उसका क्या है, तो उसका मार्ग क्या है, सीधा नहीं है, तो इससे क्या होगा, सर्वाधिक बाढ़ आएगी, क्योंकि उसका मार्ग क्या है, फिक्स नहीं है, है ना। और तटीय अपरदन का मतलब क्या है, जब ये बहती है तो अपने किनारों को क्या करती है, इसमें अपरदन होता है, अपने किनारों को ये लेके जाती है ना, इनका संचरण करते हुए जाती है, इसलिए तटीय अपरदन के लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, ठीक है। अब हम बात करें आगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में एंटर हुई, तो यहाँ पर मेघना के नाम से क्या होती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये बंगाली खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। यदि हम सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों के द्वारा यहाँ पर क्या बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपको देखने को मिलता है। इस सुंदरबन डेल्टा का कुछ हिस्सा कहाँ है, बांग्लादेश में है, और कुछ हिस्सा आपको भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सुंदरबन डेल्टा क्या है, भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है, है ना, तो आपको दोनों जगह देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमने समझा ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, या हम बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने समझा। तो इसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, पहला तो उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, स्थान का नाम क्या है, चेमायुंग दुंग, इस स्थान से निकलती है, फिर सांगपो के नाम से बहती है, और क्या करती है, एक पहाड़ी इसका नाम क्या है, नमचा वरवा, उस पहाड़ी के कारण यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल में क्या होता है, इसका प्रवेश होता है, यहाँ पर इसका नाम दिहांग होता है। फिर जैसे ही अरुणाचल से असम में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ठीक है ना, असम में। फिर असम से कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जब ये नदी पद्मा से मिलती है, मतलब पद्मा मतलब गंगा से मिलती है, तब इसका नाम क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है, ठीक है। और ये मेघना के नाम से ही आपके बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले ये बहुत ही सुंदरबन, बहुत ही फेमस डेल्टा क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। फिर इसमें आपको कुछ विशेषताएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ की नदी, ये जो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं सबसे ज़्यादा मार्ग चेंज करती हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ मार्ग चेंज नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदी ही है, इसलिए ये क्या करती है, मार्ग परिवर्तन करती है, और मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होता है, सर्वाधिक बाढ़ आती है, ठीक है। और तटीय अपरदन भी होता है, जब मार्ग परिवर्तित होगा तो क्या होगा, जो मृदा है, जो किनारे हैं, वो भी क्या होंगे, उनका अपरदन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। हमने पिछले वीडियो में गंगा नदी तंत्र के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में समझना है तो उस वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में आपको किसी बिंदु पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।